नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय हमीरपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा महाविद्यालय ऑडिटोरियम में गर्ल्स कॉमन समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में महाविद्यालय की छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर महाविद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी। इस समारोह में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हर वर्ष की तरह इस समारोह को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान कॉलेज ऑडिटोरियम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चार चांद लगाए गए। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति से कॉलेज परिषद छात्रों की तालियों से गूंज उठा। छात्रों ने एकल गान तथा सामूहिक गान के साथ लोक नृत्य के माध्यम से खूब तालियां वाहवाही लूटी। विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेता रही छात्राओं को आयोजन कमेटी द्वारा पुरस्कार देकर भी पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम कमेटी के जज राहुल, निकिता व अन्य साथियों ने प्रतियोगिता के प्रदर्शन पर उन्हें अंकों के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। दूसरी ओर इस बारे में एबीवीपी परिषद की कैंपस अधीक्षा अंकिता शिवानी शुक्ला तथा एबीवीपी कैंपस अध्यक्ष अनुराग, उपाध्यक्ष लक्षित ठाकुर, सचिव पुष्पदीप शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉमन छात्रा समारोह का आयोजन कर विद्यार्थियों द्वारा अपनी प्रतिभा दिखाई गई। इस समारोह में विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर इस समारोह में चार चांद लगाए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमीरपुर महाविद्यालय इकाई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्राओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में पूरे महाविद्यालय की छात्राएं भाग लेती है और वो तरह तरह की एक्टिविटीज करती है, चाहे वो डांस, मॉडलिंग और सिंगिंग में पार्टिसिपेट करती है। विद्यालय में 1500 छात्राएं पढ़ती हैं, उनमें से हॉल में उपस्थित 1000 छात्राएं हैं और 300 से ऊपर छात्राएं इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में जो भी प्रतिभागी जीतेगा फर्स्ट सेकंड प्राइज से उनको नवाजा जाएगा विद्यार्थी परिषद की ओर से।